हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू साईं क्लासेस। फ्रेंड्स वेलकम टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम 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 टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम 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 टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम 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 टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम 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 टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम 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 टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम 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 टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू साईं क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साईं क्लासेस। फ्रेंड्स अभी मैं आपको हमारे स्टेनोग्राफी के जो फ्रेज हैं वो शेयर कर रहा हूँ। फ्रेज ऑफ स्टेनोग्राफी, फ्रेजेस ऑफ स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी देखिएगा दोस्तों, दिस इज मिस्टर चेयरमैन सर, आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल। मिस्टर चेयरमैन सर, आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल। आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल विद ए larger perspective, with a larger perspective, with a larger perspective। यहाँ तक मैं करता हूँ दोस्तों। मिस्टर चेयरमैन सर, मिस्टर चेयरमैन सर, आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल। आई एम इंट्रोड्यूसिंग this bill with larger perspective, next dosto dusra, Mr. vice chairman sir, I am introducing this bill with larger perspective। नेक्स्ट वाला जो आउटलाइन है दोस्तों, फार्मर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड ए प्रोविजन इन द आर्टिकल 45 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट द स्टेट शैल endeavor to provide within a period of 10 years for free and compulsory education। यहाँ तक मैं बनाता हूँ दोस्तों। दिस वन
अर्थात फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड ए प्रोविजन had made a provision in the article 45 of the directive principles यहाँ से मैं ऊपर लिखता हूँ दोस्तों, ऊपर मैं करता हूँ इसको शेयर आपको, दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स that the state shall endeavor to provide within a period of 10 years, 10 years far from 10 years within a period of 10 years, 10 years for free and compulsory education, for free and compulsory education. यहाँ तक मैंने दिया है दोस्तों, अब आगे मैं शेयर करता हूँ. Free and compulsory education, then next for all the children until they complete the age of 14 years. But now when we are celebrating fifty years of our independence, independence and trying to project India, we
trying to project India as a strong and good nation. India as a strong and strong and good nation in the world. Good nation in the world. यहां तक मैं करता हूं दोस्तों, आगे मैं शेयर करता हूं. फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स 14 ईयर्स फुल स्टॉप. बट नाउ व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस एंड ट्राइंग टू प्रोजेक्ट India as a strong and good nation in the world. Full stop, dosto. This is for all the children until they complete the age of 14 years. But now we are celebrating 50 years of our independence and trying to project India as a strong and good nation in the world. Next wala share karta hu dosto. Take it, you can get a very good benefit dosto. Aapka speed bahut acha. Agar aap mere wale phrase aap share karoge, practice karoge, you can get a very best speed. 120, 140, 160 and above. Next, this is world. If we look upon the state education. Look upon the state education, we find that it is in a very unfortunate In a very unfortunate state as the report of UNESCO UNESCO reveals that two third of illiterate
illiterates of the world are lying in India. In India. Full stop, दोस्तों. देखिएगा दोस्तों. Friends, if we look upon the state, state education, we find that it is in a very unfortunate state, as the report of UNESCO, United Nation Educational Scientific Culture Organization, UNESCO, दोस्तों यही बनाइएगा आप, United Nation Educational Scientific कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में भी, बाकी यूनेस्को मैं बाद में इसको शेयर करूंगा दोस्तों. रिवील्स दैट टू थर्ड ऑफ इलिटरेट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लाइंग इन इंडिया. दिस वन दोस्तों, फुल स्टॉप. ओके, अर्थात दे, इफ वी लुक्ड अपॉन द स्टेट एजुकेशन, वी फाइंड दैट इट इज इन ए वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट एज द रिपोर्ट. ये भी बना सकते हो दोस्तों आप, रिपोर्ट ये पूरा था, अभी आप इसको रिपोर्ट ये बना सकते हो, रिपोर्ट ऑफ यूनेस्को रिवील्स दैट two-thirds of illiterates of the world are lying in India. Next वाले लाइन दोस्तों मैं फिनिश करता हूँ. प्लीज दोस्तों मेक द प्रैक्टिस, टेक द प्रैक्टिस, यू कैन गेट ए वेरी गुड बेनिफिट. नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज यूनेस्को रिवील्स. ओके, अब while replying to a question, the Honorable Minister had stated that among 147 countries of the world India's position stands on 139 position 139 in terms of quality
इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। देखिएगा दोस्तों, while replying to a question, the honorable minister had stated that among 174 countries of the world, India's position stands on 139th in terms of quality of human resources. This one, दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ जो है ना, मैंने जो आपको शेयर किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउटलाइन है, और ये वर्ल्ड के बारे में भी है। वाइल रिप्लाइंग टू ए क्वेश्चन द ऑनरेबल मिनिस्टर हैड स्टेटेड दैट अमंग 174 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंडियाज पोजीशन स्टैंड ऑन 139th इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो थैंक यू दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए, आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने डाउट्स आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।